नाजरीन, ये जो इमाम बारगाह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दरअसल उत्तर 24 परगना के हथियारा शरीफ का इलाका है और हथियारा शरीफ में ये इमाम बारगाह है। आप देख सकते हैं आज मुहर्रम की 5वीं तारीख है। इस सिलसिले से यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था और जो शख्स यहाँ के खलीफा है वो यहाँ पर मौजूद है और ये इसका पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं और यहाँ के तमाम लोग, मुकामी लोग। ये इमाम बारगाह कब से यहाँ पर है? ये हमारे सन 2000 से चालू का इजाद है जी। और मुहर्रम के मौके पे क्या क्या यहाँ पर होता है? मुहर्रम के मौके पे जिस दिन से चांद होता वो निकलता है, नज़र आता है, उस दिन से यहाँ पे हुसैनी सबील तकसीम किया जाता है। बहुत से सारे बच्चे लोग आते हैं, शरबत पीते हैं और या हुसैन का स्लोगन लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का स्लोगन लगता है। तो यहाँ से इमाम बारगाह से क्या क्या काम होता है यहाँ के मुकामी लोगों के लिए? यहाँ के मुकामी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना मन्नत वगैरह मांगते हैं, जिनका मन्नत यहाँ से पूरा होता है हमारे मौला हुसैन के शान में, वो जो मन्नत करते हैं वो सब आके यहाँ पे मन्नत चढ़ाते हैं और जिनका जिनका मुराद पूरा होता है वो अपने अपने मर्जी से, अपने अपने खुशी से जो भी होता है मौला हुसैन के रोजा पे आके पेश करते हैं। आप यहाँ के लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? हम यहाँ के लोगों को जो है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे हथियाड़ा शरीफ के जो है वो हमें बहुत साथ देते हैं, बहुत दिल से ताउन भी करते हैं और हमें बहुत अच्छा मानते भी हैं। आप अपना नाम और अपना तारुफ दे दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद नईम खलीफा जी। जी बोलिए। हमारे यहाँ पर जो हमें ताउन करते हैं, हमारे हथियाड़ा शरीफ के 13 नंबर वार्ड के युवक सभापति जनाब मोहम्मद सराफुद्दीन मंडल साहब उर्फ नाटा भाई और जनाब मोहम्मद सलीम साहब उर्फ कल्लू भाई और फैज अहमद उर्फ पिंटू भाई भी इस प्रोग्राम में बहुत दिल से हिस्सा लेते हैं और बहुत हेल्प करते हैं और हम लोगों के साथ रहते हैं जब तक कि मिट्टी ठंडा ना हो जाए। देवा शरीफ का थोड़ा अच्छा से ले।